मुंबई कर एकता फाउंडेशन की जानब से कैब बिल को लेकर आप क्या कह रहे थे, क्यों प्रोटेस्ट किया जा रहा है? ये जैसे कि बिल में देखा गया है क्या हर किसी को डिवाइड कर रहे हैं लोग, जैसे हमने हमारे बैनर पे भी लगाया है क्या वी ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उसके हिसाब से तो ये डिवीजन का जो रूल लेके आ रहे हैं वो बहुत खिलाफ है जी। इसकी वजह से हम लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग एकदम साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसी से कुछ हमें मतलब लड़ाई झगड़ा वाला कोई प्रोटेस्ट नहीं हमारा, पीसफुली जैसे हमारे गांधी जी ने बताया था पीसफुली हर काम करिए, उस तरीके से हम लोग पीसफुली कर रहे हैं। जैसे कि बात आ रही कैब बिल को लेकर, ये इस कैब बिल का हम बायकॉट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, तो आपको क्या कहना है? जी हम तो कोशिश जारी है, भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए अगर इस तरह अप्रैल में शुरू होगा, ख़ास तौर से एनआरसी के को लेकर 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, तो इसके फॉर्म को रिजेक्ट करना चाहिए भरना चाहिए लोग? जी हम लोग तो रिजेक्ट ही करेंगे, अभी जैसे कोशिश यही जा रही है जो इतने प्रोटेस्ट कर रहे हैं सब, क्या गवर्नमेंट हमारी आवाज़ सुने, वो ये बिल को हटाए, हमारी मांग तो यही अभी फ़िलहाल यही है क्या जल्द से जल्द वो ये बिल को रद्द कर दिया जाए। आपका क्या बोलना चाहिए? मेरा बोलने का मतलब है कि आज हिंदुस्तान के अंदर हर किसी को रहने का राइट्स है और सारे लोग मतलब एक अमन और शांति है, लेकिन इससे काफ़ी लोग कसबकस में है कि लोग मतलब क्या कानून पास होने वाला है, क्या कैटेगरी है, क्या है वो सिर्फ देश से निकाल देना है, ये स्टेटमेंट चल रहा है, लोग डरे हुए हैं। पहले उसका मेन मोटिव आपको रिलीज करना चाहिए सरकार को कि मतलब जो लोग यहाँ के हैं रहवासी है ये है वो है, सिर्फ और सिर्फ अपना एक डिसीजन थोप दिया गया सरकार ने अपना डिसीजन पास कर दिया गया, तो जनता को रहने का अधिकार है, सब एक भाई बहन जैसा रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई बहन जैसा रहते हैं, अगर ऐसा कानून आ जाएगा तो एक माहौल खराब क्रिएट हो जाएगा। नहीं मैं ये पूछ रहा था, आपका कहना सही है, मैं ये कहने चाह रहा था कि इस बिल के जरिए बीजेपी जो यहाँ के हिंदू और मुसलमान हैं या दीगर समाज के लोग हैं उनके दिलों में आपस में बंटवारा करने की कोशिश मतलब की जा रही है। ये कोशिश तो की जा रही है, वो उनका लुकआउट है, हम लोगों ने आज ये डिसाइड किया कि हम लोगों का कोई मुद्दा नहीं है किसी को। उसकी मिसाल ये है कि आज हमारे गैर मुस्लिम भाई भी जो है ना पूरी तरह से सपोर्ट करें मुसलमानों का, चाहे वो इंडिया में हो, दिल्ली में हो, पूरे हिंदुस्तान में हो, बहुत सारे हमारे हिंदू भाई जो हमारे साथ में उतरे हैं, ये कहना है आपका? साथ में उतरे, जिसके अगर आप मिसाल देखो तो दिल्ली देख लो, आसाम देख लो, काफी जगह प्रोटेस्ट, कलकत्ता देख लो, तो ये एक की लड़ाई नहीं है, सबकी लड़ाई है, क्योंकि देश में रहने का अधिकार हर किसी को। बहुत बहुत शुक्रिया आमना सामना मीडिया से बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।